गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन. गिव मी दैट रिलायबल टुगेदर. हां जी बेटा, वन थिंग इंपॉर्टेंट आई हैव टू टेल यू दैट असर्शन एंड रीजन वाले जो आपके क्वेश्चन थे वो अब नहीं आएंगे. ओके नहीं थे बट चलो एनी हाउ वो क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ. ठीक है, दूसरी बात बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू टेल यू. कम इन. तुम लोगों को अभी पैनिक कर रहे हो. एनीवेज, सो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे. सो यू नो नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट क्वेश्चंस, नंबर वन. सेकेंडली बेटा, एमसीक्यूज जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑल टुगेदर, बट एमसीक्यू में आपने एनसीईआरटी की डिटेल पढ़नी है. बात समझ में आई? यू आर नॉट टू इग्नोर एनसीईआरटी. ये ना हो कि एक्स्ट्रा करते रहो, MCQs NCERT में से आ जाएं और फिर आप अन्य. यस, हियर एनी एवरीवन, क्या है बाहर? मैं अपने लिए बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोलती. ठीक है, इट्स ओके. जो पेपर आएगा तुम जानो. मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि NCERT हर चैप्टर में, जो NCERT में जो आपके चैप्टर में पेजेस हैं, डिटेल है, वो सारी पढ़नी है थॉरली, ईच एंड एवरीथिंग. Because though the paper is MCQ, but whosoever is will be setting the paper, they are not going to ignore NCERT. Come on that line. Okay. So now today we are going to discuss few questions from Heron's formula. I'm going to share you the screen and let's discuss that. बैठो बेटा, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ. देखिए बेटा, now all of you, area of the triangle. Akhilesh, what is the formula of area of triangle? Half into base into height. Very simple, right? Area of the triangle when three sides are given. Square root of S into S minus A into S minus B, where S is the semi-perimeter and A, B, C are the sides of the triangle, right? हाँ जी लक्ष्य बोलो. मैम आंसर ही बोलना था. हाँ जी आंसर ही बोलना था मैम. बेटा पूछूंगी, ये तो सिंपल चीज थी. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन. इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट डाउन बेटा एवरीवन, पेरीमीटर of an equilateral triangle is 180 centimeter, then its area will be dash. Equilateral triangle है, उसका perimeter हमें given है. This is the perimeter of an equilateral triangle. We have to find that its area. Hoga. Yes,
So online students, you can see the answers also, but you please don't see the answers. Do the question yourself. Sahil, I answer. Hanji, ninth class. This is ninth B. Yes. Karo. Yes, Dhiren. मैम 900 √3 cm². मैम इसमें हम √3/4 साइड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं ना? वही करना है. लुक हियर, दिस इज द पेरिमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल द साइड्स सेम. इसका मतलब a + a + a इज गिवन टू अस 180 cm. यस और नो? ठीक है, तो 3a is 180, a कितना आ गया बेटे 60, जबकि a हमारे पास क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल. नाउ वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमेंबर, जिसमें हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालते हैं बाय टेकिंग ईच साइड a. व्हाट इट इज? यस नित्या, व्हाट इट इज? √3/4 into a square, that is side square. √3/4 into 60 into 60. Cutting away 4 ke saath. So it will be 900 √3, jo bhi unit given honge, that square. Unit square. Nahi kyun? कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है. 30 × 30, ऑप्शन में 900 √3 है, ऐसे ही करना पड़ेगा. 30 × 30 √3 मल्टीप्लाई करोगे. ओके, नाउ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 122 मीटर. These are the three sides of the triangle. Find the area. जब subjective paper आता था तो ऐसे ही question आते थे. Three sides are given to you. You have to find the area. ठीक है? So for finding the area, you have to apply full formula. करो, करो शाबाश. Second. हाँ जी, कितना है आपका? हाँ जी, 9B. बच्चा कितना स्लो क्यों आप लोग? 13:20 कह रहा है ये, देखूं ऑनलाइन किसी ने किया तो. ठीक है मित्र, इजी क्वेश्चन को देख के ना तुम लोगों को लगता है बहुत इजी, और वहीं पे तुम लोग गलती करते हो. मुश्किल कर जाओगे, इजी में गलती करोगे. करो, तो गलत आंसर है, दोबारा देखो कहां गलती है. तेरा कितना है? साथ में 0 भी है. दिव्यांशी, क्या प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन में? हाथ भी चल रहा बेटे.
पता नहीं इसने क्या हाथ चलाना इसने। Yes, online students, anyone can tell me the answer? करवाऊंगी बेटा मैं तो। वन थ्री टू जीरो। यस आपका आंसर आया बच्चों? So these are the three sides of the triangle. First of all, you have to find the semi-perimeter, right? When three sides of the triangle are given to you, then you have to find the area of triangle by applying Heron's formula. Heron's formula में S होता है, वो क्या होता है? A plus B plus C by 2. 122 plus 22, 144. 144, 154, 164, 260. ये आपके पास आ गया S, 132. जब भी ठीक है एरिया 132 S, S माइनस A, 132 माइनस 122 10 एंड ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है ये देखो शॉर्टकट में देखा करो। एक ये जीरो है, ये जीरो है, 10 × 10 बाहर निकल जाएगा। मींस इसको हम लिख सकते हैं 11 × 10, 1 ये 10 है, 1 ये 10 है, बाहर आ गया। प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? मूड नहीं है पढ़ने का आपका, है? पूछ रही हूँ मैं आपसे, मैंने कौन सा डांट है? 132 के फैक्टर्स बनाओ। 9th B के 1, 2, 3, 4, 5 बाकी कुछ 9C में है शायद। तो बेटा क्या फैक्टर्स आए? 2 × 2 × 3 × 11। एक ये 11 है, 12 के हो गए 2 × 2 × 3। अब 1, 2 एक 10 बाहर था, एक 2 बाहर, एक 11 बाहर, एक 3 बाहर, एक 2। सो द टोटल व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विल बी 1320 मीटर। मान लो ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है कि आपके पास जो डाइमेंशंस है वो गिवन है मीटर में। सुनो, आपके पास जो डाइमेंशंस गिवन है वो है मीटर में, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो है सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो क्या करोगे? इनटू 100। जैसे बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सपोज आपके पास ऑप्शन है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 क्या सेम होगा? ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो। आपका इस ट्राइंगल का एरिया आता है 1320 मीटर स्क्वायर, बट दैट इज नॉट इन द ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है नन। सपोज दैट इज नॉट इन द ऑप्शन, देन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? नाउ यू ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, दैट इज 100 × 100। मतलब इसके पीछे कितनी जीरोस लगेंगी? 4। 4 जीरोस लगेंगी तब वो जाकर लो जी। तो हाँ हाँ चल रहा है। सो दिस विल बी द आंसर। Thank you.
मैं बता रही हूँ बेटा, मेरा बताना फर्ज है, समझना आपकी मर्जी। देखना 1320 मीटर स्क्वायर। अब मैंने अगर इंटेलिजेंट बच्चों को या थोड़ा सा जज करना है तो मैं मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन ही नहीं दूंगी, ये वाले ऑप्शंस दूंगी। इसलिए 1320, एक मीटर का 100 और एक और मीटर का 100, तो ये बन गया सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 3 4 5 5 0। फाइन, ऑल राइट। ये करो, टू साइड्स आर 18 एंड 10, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड कर मैंने पूछा, सी निकलेगा तो एरिया निकलेगा, गलत निकला है। सो सी लुक ऑन द बोर्ड, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द पेरीमीटर 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। सी इज 42 माइनस 28, 14 सेंटीमीटर। जब ए बी सी आ गया फिर तो ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत इजी है। हेलो इधर, व्हाट इज अ सेमी पेरीमीटर? 42 पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर इज 21। हंस रहे हो, वहां पर यही ब्लंडर करोगे। अगर आप क्लास में फोकस से क्वेश्चन करते हो ना सही, तो वहां पे भी सही होता है। यहाँ तो फिर अगर तुम रिलैक्स हो थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक होती है बेटा, एग्जाम इज डिफरेंट। 21 माइनस 18 3, माइनस 10 11, 21 माइनस 14 क्या था इसमें? 3 × 7 × 3 × 11 × 7, एक 7 बाहर एक 3 बाहर, 21√11 is the answer. You took so much of time, some of you. वंशिका ध्यान से क्वेश्चन करो बेटा, आपका आंसर आया था? चलो, the sides of the triangle, all the questions are NCERT question which I am taking today, and I have told you the student, those who have joined late also, beta, you are not to ignore NCERT. You know paper is made from the school, school में से teachers paper बनाते हैं, तो आपको हम आप guide कर रहे हैं कि आपने अपनी NCERT को ignore नहीं करना. Whenever you are going to start the revision of any chapter, just go through the NCERT also. NCERT में जो theoretical portion है, उसमें से भी MCQ आ सकते हैं, जो कि हम discuss भी कर रहे हैं, but still, when you come for the exam, then please go through that also. NCERT की examples, NCERT के questions को avoid नहीं करना है. Fine? चलो. These are the ratio of the sides of the triangle. And the perimeter is, find the area. हाँ जी, नाइन्थ आपका आंसर आया, आपका नाइन्थ भी, सबका नाइन्थ 9000 आया, ना करवाऊं? जैसे बेटा आपका करवाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करवाऊंगी। 12x 17x 20, ठीक है, इनका सम करेंगे बेटा, दीज आर द सी, लेट मी फाइंड
let me speak for all the students, those who are unable to do. These are the three sides of the triangle. Beta, when we add 25, 35, 42, 44, 54x, means A plus B plus C is equal to the perimeter, that is 540. इन दोनों को प्लस करेंगे 54x is equal to 540. X कितना आ गया हमारे पास 10. It means three sides are 120, 170, 250. अगर सब्जेक्टिव होता तो इस सब के नंबर मिलते, लेकिन अब एमसीक्यू है तो आंसर चाहिए हमें. Then we have to find the area. 540 is the perimeter. Semi perimeter is 270. 270 minus 120. 150. Into. अब इधर देखो. How to do the calculation in a short way. कितने जीरोस हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो हम एक पेयर जीरो का बाहर निकाल लें, एक 100 का 10 बाहर निकाल लें. बचा क्या? 27 इंटू 15 इंटू 20, राइट. अब 100 बाहर है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ऑरल फैक्टर्स बन जाते हैं. 100 इंटू 3 बाहर, एक और 3 बाहर, एक 5 बाहर, एक 2 बाहर. 5 टू द 10 टू द 30, 33 इज 90. 90 इंटू 100 इज 900 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में करना है तो 9000 को 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये, अगर मीटर स्क्वायर में है तो 4 जीरो से डिवाइड करोगे ना. ऊपर 3 है, कट गई, 9/10 इज 0.9 मीटर स्क्वायर. अब समझ आ गया तुझे? क्या ठीक है? ठीक है बेटा, चलो डू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. सी यू ऑन मंडे. टेक केयर.